नमस्कार दोस्तों, पीसीएस पाठशाला में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, हम लोग सामाजिक अध्ययन का कुछ पाठ देख रहे थे, तो हम लोग करीब 35 क्वेश्चन देख चुके थे, तो उसके आगे का देखते हैं हम लोग दूसरे पार्ट में। सूर्य की परिक्रमा के दौरान पृथ्वी सूर्य से अधिकतम दूरी पर किस महीने में होती है? जब पृथ्वी सूर्य की परिक्रमा करता है, पृथ्वी जब सूर्य की परिक्रमा करती है तो सबसे अधिकतम दूरी पर किस महीने में होती है? वो अधिकतम दूरी होती है जुलाई महीने में। 4 जुलाई को सूर्य पृथ्वी से अधिकतम दूरी पर होता है और 3 जनवरी को सूर्य पृथ्वी से न्यूनतम दूरी पर होता है। 3 जनवरी को उपसौर बोलते हैं और 4 जुलाई को अपसौर बोलते हैं। सूर्य और पृथ्वी के मध्य अधिकतम दूरी होता है, सूर्य और पृथ्वी के मध्य अधिकतम दूरी होता है आपका 4 जुलाई को। सूर्य और पृथ्वी के मध्य न्यूनतम दूरी होता है 3 जनवरी को। पृथ्वी को उसके काल्पनिक अक्ष पर घूमने को क्या कहते हैं? जब पृथ्वी को उसके काल्पनिक अक्ष पर घूमने को क्या कहते हैं तो उसे घूर्णन बोला जाता है। पृथ्वी और सूर्य के मध्य सर्वाधिक दूरी किसके दौरान होती है? उपसौर के दौरान, उपसौर सॉरी अपसौर के दौरान। अपसौर जब 4 जुलाई को पृथ्वी सूर्य से अधिकतम दूरी पर होती है, उस समय महीना होता है आपका जुलाई का। पृथ्वी को उसके काल्पनिक अक्ष पर घूमने को क्या कहते हैं तो उसे घूर्णन बोलते हैं। पृथ्वी और सूर्य के मध्य सर्वाधिक दूरी किसके दौरान होती है? वो होती है आपके अपसौर के दौरान। निम्न में से किसने पहली बार कहा पृथ्वी गोल है? किसने कहा पृथ्वी गोल है? अरिस्टोटल ने कहा था। स्वेज नहर का निर्माण कब हुआ था? स्वेज नहर का निर्माण कब प्रारंभ हुआ था? तो 1854 में स्वेज नहर का निर्माण प्रारंभ हो गया था और 1869 में स्वेज नहर बनकर पूरा हुआ था। तो यहाँ पे जरा स्वेज नहर का निर्माण कब प्रारंभ हुआ, तो प्रारंभ हुआ था आपका 1854 को। कौन सी नहर बाल्टी सागर को उत्तरी सागर से मिलाती है? देखिए, कील नहर जो है, कील नहर बाल्टी सागर उत्तरी सागर को मिलाती है और इसका एक फार्मूला भी होता है, की वू वा, मतलब की कील नहर उत्तरी सागर और बाल्टी सागर को मिलाती है, की वू वाह, ऐसे जानिए। यहाँ पर आइए कि क्रा नहर निम्नलिखित में से किस देश में स्थित है? क्रा नहर जो आपका थाईलैंड में स्थित है। विश्व की सबसे बड़ी जहाज रानी नहर कौन है? विश्व की सबसे बड़ी जहाज रानी नहर जो है आपका स्वेज नहर है। निम्नलिखित में से किस की सीमा कैस्पियन सागर से नहीं लगी है? देखिए, कैस्पियन सागर जो है यह अफ्रीका में है और कैस्पियन सागर के कि सीमा के साथ सटे जो देश है, कजाकिस्तान है, अजरबैजान है, ईरान है और रूस है। तो यह सारे देश कैस्पियन सागर से सटे हुए हैं, लेकिन आर्मेनिया जो है कैस्पियन सागर से सटा हुआ नहीं है। तो इसमें मात्र आर्मेनिया है, जबकि 4 देश कैस्पियन सागर से लगे हुए हैं, रूस, ईरान, कजाकिस्तान और अजरबैजान। आर्मेनिया सटा हुआ नहीं है कैस्पियन सागर से। निम्नलिखित में से कौन सी एक झील तंजानिया और युगांडा के बीच अंतरराष्ट्रीय सीमा बनाती है? देखिए, विक्टोरिया झील जो है यह अफ्रीकन झील है और विक्टोरिया झील किसी मात्र एक देश में नहीं है, वह बहुत बड़ी झील है और यह कई देशों को कवर करती है। विक्टोरिया झील जो है केन्या, युगांडा और तंजानिया 3 देशों में फैली हुई है। तो केन्या, युगांडा, तंजानिया में फैली हुई है और यह तंजानिया और युगांडा के बीच अंतरराष्ट्रीय सीमा बनाती है विक्टोरिया झील। विश्व की सर्वाधिक खारे जल की झील वान झील किस देश में स्थित है? तो वान झील आपका तुर्की में है। स्वेज नहर की लंबाई कितनी है? स्वेज नहर की जो लंबाई है आपकी 168 किलोमीटर है। स्वेज नहर की जो लंबाई है 168 किलोमीटर है। स्वेज नहर का प्रारंभ हुआ था, निर्माण का प्रारंभ हुआ था 1854 में, 1869 में बनकर तैयार हुआ था और 168 किलोमीटर यह लंबी है स्वेज नहर। और स्वेज नहर के बारे में एक और बात बता दें, स्वेज नहर भूमध्य सागर और लाल सागर को जोड़ती है और कील नहर उत्तरी सागर और बाल्टी सागर को जोड़ती है। इसका स्वेज नहर वो हमेशा पूछता रहा है, स्वेज नहर किस सागर को जोड़ती है, किस सागर से जोड़ती है? तो स्वेज नहर भूमध्य सागर को लाल सागर से जोड़ती है। इसका एक फार्मूला याद कर लीजिए, स्वभूला, स्वभूला।
स्व भूला, स्वेज नहर, भूमध्य सागर, लाल सागर। स्वेज नहर कब बनकर तैयार हुआ? स्वेज नहर जो आपका बनकर तैयार हुआ था 1869 में। किस महीने को श्वेत महाद्वीप के नाम से, किस महाद्वीप को श्वेत महाद्वीप के नाम जानते हैं? देखिए, जो आप दक्षिणी ध्रुव मैप देखे होंगे, तो दक्षिणी ध्रुव का जो हिस्सा है वहाँ अंटार्कटिका महाद्वीप है, और अंटार्कटिका महाद्वीप में इतना बर्फी, मतलब बहुत ही ठंडा जगह है, जिसकी वजह से पूरा महाद्वीप बर्फ से ढका हुआ रहता है, इसलिए इसे श्वेत महाद्वीप की संज्ञा भी दी जाती है। यह दूसरी सीरीज हम लोग देखते हैं कि रेगुलेटिंग एक्ट पारित कब किया गया था? तो रेगुलेटिंग एक्ट जो पारित किया गया था 1773 में पारित किया गया था रेगुलेटिंग एक्ट। रेगुलेटिंग एक्ट पहला वो एक्ट था ब्रिटिश सरकार का, मतलब जिस पर रेगुलेटिंग एक्ट वो पहला एक्ट था ब्रिटिश सरकार का, जिसने एक कानून बनाया भारतीयों के ऊपर। 1773 में रेगुलेटिंग एक्ट पारित हुआ था, फिर 1784 में क्विट इंडिया एक्ट आया। तो इस तरह के एक्ट आए थे, तो यहाँ आप याद कर लीजिए रेगुलेटिंग एक्ट कब पारित किया गया था, 1773 में। किस व्यक्ति ने वर्ष 1992 में, देखिए यहाँ गलत है, 1992 नहीं, 1892 है। किस व्यक्ति ने 1892 में यह मांग की थी कि भारत के संविधान की संरचना हेतु गोलमेज सम्मेलन बुलाना चाहिए? ऑप्शन में है महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, मोतीलाल नेहरू। कोई नहीं, महात्मा गांधी तो होंगे नहीं, क्योंकि महात्मा गांधी राजनीति में जो एंट्री करते हैं 1915 की बात करते हैं। पंडित जवाहरलाल नेहरू भी उनसे 5-7 साल बाद ही राजनीति में आते हैं। मोतीलाल नेहरू, जो जवाहरलाल नेहरू के पिताजी थे, 1892 में इन्होंने मांगी थी भारत के संविधान की संरचना है तो गोलमेज सम्मेलन बुलाना चाहिए। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर और महात्मा गांधी के मध्य 1932-32 में जो पूना समझौता हुआ था, उसका क्या प्रावधान था? ये जो पूना समझौता हुआ था, यह जो प्रावधान था इसमें हरिजनों के लिए पृथक निर्वाचन क्षेत्र की मांग अंबेडकर कर रहे थे, लेकिन पृथक निर्वाचन क्षेत्र तो इसमें नहीं हुआ। इसमें यह हुआ था कि हरिजनों के लिए आरक्षण सहित संयुक्त निर्वाचन क्षेत्र का अधिकार, यह प्रावधान किया गया था। निम्नलिखित में से किस अधिनियम द्वारा भारत के गवर्नर जनरल को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान की गई है? तो भारतीय परिषद अधिनियम 1861 यह कहता है कि जो गवर्नर जनरल है वह अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान करते हैं, भारतीय परिषद अधिनियम 1861। 1928 में किस व्यक्ति ने वैश्य मताधिकार के आधार पर संविधान सभा के गठन की मांग की, कि वैश्य मताधिकार के आधार पर संविधान सभा के गठन की मांग की थी? तो यह जवाहरलाल नेहरू थे जिन्होंने वैश्य मताधिकार के आधार पर संविधान सभा गठन करने की मांग की थी, जवाहरलाल नेहरू। और 1892 में जवाहरलाल नेहरू के पिताजी मोतीलाल नेहरू ने गोलमेज सम्मेलन बुलाने का आह्वान किया था। भारत के गवर्नर जनरल को किस एक्ट द्वारा अपनी समिति के निर्णय को अस्वीकार करने का अधिकार मिला था? किस एक्ट द्वारा अपने समिति के निर्णय को अस्वीकार करने का अधिकार मिला था? देखिए, 1773 का जो रेगुलेटिंग एक्ट था, इसमें एक कार्यकारी परिषद बनाई गई थी, जिसमें गवर्नर जनरल को कुछ राय लेना होता था कार्यकारी परिषद से, राय मतलब उनकी सलाह के आधार पर, मतलब की सलाह मानने के लिए बाध्य नहीं था, लेकिन कभी कभी उनकी प्रमुखता होती थी, तो उनके राय के आधार पर शासन करना होता था गवर्नर जनरल को। लेकिन 1786 का जो एमेंडमेंट एक्ट आया, यह कहता है कि गवर्नर जनरल अपनी समिति के निर्णय को अस्वीकार करने का अधिकारी है, वह अपनी समिति के निर्णय को अस्वीकार भी कर सकता है। तो 1786 का एमेंडमेंट एक्ट यह कहता है। वर्ष 1942 में किस योजना के तहत यह स्वीकार किया गया कि भारत में एक निर्वाचित संविधान सभा का गठन होगा जो युद्धोपरांत संविधान सभा का निर्माण करेगा? तो क्रिस्ट मिशन 1942 में यह कहा गया कि भारत में एक निर्वाचित संविधान सभा का गठन होगा और जो युद्धोपरांत संविधान का निर्माण करेगा। युद्धोपरांत क्या, मतलब द्वितीय विश्व युद्ध के बाद संविधान सभा का निर्माण होगा, क्रिस्ट मिशन 1942 में यह कहा गया। किस क्षेत्र को अनुसूचित जाति व जनजाति क्षेत्र घोषित करने का अधिकार किसे है? किसी भी क्षेत्र को अनुसूचित जाति व जनजाति क्षेत्र घोषित करने का अधिकार किसे है? राष्ट्रपति को। देखिए, आप बताते हैं अनुसूचित क्षेत्र व जनजाति क्षेत्र घोषित करने का अधिकार राष्ट्रपति को है। जैसे कि अभी हमारे वहाँ इंडिया में बहुत सारे क्षेत्र हैं जो अनुसूचित जाति व जनजाति क्षेत्र माने जाते हैं, जैसे पूर्वोत्तर राज्य
छोटे छोटे जो है त्रिपुरा है, मेघालय है, सिक्किम है, इसे अनुसूचित जाति व जनजाति क्षेत्र घोषित किया गया है। तो ऐसे किसी भी राज्य को जहाँ राष्ट्रपति को लगता है, जहाँ सरकार को लगता है कि वहाँ अनुसूचित जाति व जनजाति ज़्यादा हैं और उन पर ध्यान देना चाहिए, तो उस क्षेत्र को राष्ट्रपति अनुसूचित जाति व जनजाति क्षेत्र घोषित कर देता है। महारानी विक्टोरिया को भारत की साम्राज्ञी नियुक्त किया गया। 1857 में भारत की क्रांति होती है, जिसमें जो भारतीय क्रांतिकारी होते हैं वह पराजित हो जाते हैं, हार जाते हैं, और इसमें काफी मतलब जो ब्रिटिश सरकार थी इसमें काफी समझ अच्छा निर्णय लेती है, कुछ मतलब वह समझती है कि अब जो सम्राट है, जो भारत के सम्राट थे बहादुर शाह जफर, उनको हटा दिया जाता है और फिर महारानी विक्टोरिया को भारत का सम्राज्ञी नियुक्त किया कर दिया जाता है। जो जो भी नाम मात्र के बादशाह थे बहादुर शाह जफर, उनको हटाकर महारानी विक्टोरिया को भारत का सम्राज्ञी नियुक्त किया जाता है 1858 में। संविधान सभा को किसने मूर्त रूप प्रदान किया? संविधान सभा को किसने मूर्त रूप प्रदान किया? तो यह जवाहरलाल नेहरू होंगे। देखिए अम्बेडकर नहीं होंगे, जवाहरलाल नेहरू होंगे संविधान सभा को मूर्त रूप प्रदान करने वाले। माले मिंटो सुधार का उद्देश्य था, देखिए माले मिंटो सुधार जो आया था 1909 में आया था, और 1909 में मार्ले जो था, मार्ले यह भारत सचिव था इंग्लैंड में, और मिंटो यहाँ के गवर्नर थे। इन्होंने यह सुधार किया था, इन्होंने जो सांप्रदायिक आधार पर मुस्लिमों को पृथक निर्वाचन क्षेत्र दे दिया था, तो यह पृथक निर्वाचन प्रणाली इसका उद्देश्य था मार्ले मिंटो सुधार का। भारत में कुल कितने उच्च न्यायालय हैं? भारत में 29 उच्च न्यायालय हैं, 29 उच्च न्यायालय हैं, 29 राज्य हैं, 29 उच्च न्यायालय हैं, जबकि राज्य का उच्च न्यायालय से कोई संबंध नहीं है। बहुत से ऐसे राज्य हैं जो दो या तीन राज्यों के बीच एक उच्च न्यायालय है, तो इससे कोई संबंध नहीं है, बस मैं बता रहा हूँ समझने के लिए कि 29 राज्य हैं तो 29 उच्च न्यायालय हैं। मार्ले मिंटो सुधार बिल किस वर्ष पारित किया गया? मार्ले मिंटो सुधार बिल 1909 में पारित किया गया, क्योंकि इस सुधार का उद्देश्य था कि मुस्लिमों को सांप्रदायिक आधार पर पृथक निर्वाचन प्रणाली, पृथक निर्वाचन क्षेत्र देना। 1909 पुनर्गठन के फलस्वरूप वर्ष 1947 में संविधान सभा के सदस्यों की संख्या कितनी रह गई थी? पुनर्गठन के फलस्वरूप 1947 में संविधान सभा के सदस्यों की संख्या कितनी रह गई थी? तो यह संख्या रह गई थी 299, क्योंकि मुस्लिम लीग हट गया था अपने सदस्यों को लेकर। मुसलमानों के लिए अतिरिक्त निर्वाचन प्रणाली प्रारंभ किसके द्वारा लाया गया? तो मार्ले मिंटो सुधार 1909 के द्वारा लाया गया। ये प्रश्न रिपीट हो रहे हैं, आप समझ सकते हैं। भारतीय संविधान में किस अधिनियम के ढांचे को स्वीकार किया गया है? तो भारत शासन अधिनियम 1935 जो है उसका दो तिहाई हिस्सा, मतलब तीन हिस्से में दो हिस्सा भारतीय संविधान में बिना किसी संशोधन के स्वीकार कर लिया गया है। तो इसीलिए कहा भारतीय संविधान के किस अधिनियम के ढांचे को स्वीकार किया गया है? तो भारत शासन अधिनियम 1935। 1909 के इंडियन काउंसिल एक्ट में किस एक बात की व्यवस्था की गई? तो 1909 का इंडियन काउंसिल एक्ट था, यह सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व की बात करता था, मुस्लिमों को पृथक निर्वाचन क्षेत्र देने की बात। पहली बार राष्ट्रपति शासन कब लागू लागू हुआ? तो पहली बार जो राष्ट्रपति शासन लागू हुआ 20 जुलाई 1951 में लागू हुआ पंजाब में। देखिए बहुत ज़्यादा रिपीटेड क्वेश्चन है, हमेशा पूछता है कि पहली बार राष्ट्रीय शासन कब लागू हुआ, सबसे ज़्यादा राष्ट्रीय शासन कब लागू हुआ, इस प्रश्न हमेशा पूछता है, तो याद रख लीजिएगा 20 जुलाई 1951 को पहली बार राष्ट्रीय शासन लागू हुआ। मॉन्टेगू चेम्सफोर्ड सुधार में प्रावधानों का सार था। मॉन्टेगू चेम्सफोर्ड सुधार जो था इसमें यह व्यवस्था किया गया था कि इसमें व्यवस्था किया था प्रांतों में द्वैत शासन की, प्रांतों में दोहरे शासन की, और 1935 में संघ में मतलब केंद्र में द्वैत शासन आया, और 1919 में आपका प्रांतों में द्वैत शासन आया। संविधान द्वारा प्रदत्त नागरिकता के संबंध में संसद ने एक व्यापक नागरिकता अधिनियम कब बनाया था? तो 1955 में बनाया था। तो इस तरह से प्रश्न आप लोग देख चुके हैं, अगली सीरीज में अगला प्रश्न आप लोग देखेंगे। धन्यवाद। वीडियो अच्छा लगे तो इसे शेयर कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा।